الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من العرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فراس وحالهم قد اصابتهم حاجه فحث الناس على الصدقه فأبطأوا عنه حتى روي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم قال ثم ان رجلا من الانصار جاء بصورة من ورق ثم جاء اخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها वलाय कसुमिन शय वमन सन्नफिल इस्सलाम सन्तन सई आता फ़ाउमिला बिहा बाती बल मिसलो वजरमन अमीला बिहा वलायन कसुमिन अवज़ारम शयन अव मसल सही मसलिम की एक हदीस मैंने आपके सामने पेश की है जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी तु से मरवी है। कहते हैं कि कुछ देहाती लोग अल्लाह के रसूल सल्लासम की खिदमत में हाजिर हुए और उनके कपड़ों से गुरबत झलक रही थी यानी उनके कपड़े बता रहे थे बहुत गरीब हैं बहुत लाचार हैं परेशान हाल हैं तो फरा सुहाबत हम हाज अल्लाह के उसमें देखा कि भाई ये तो हाजतमंद लोग हैं ये ज़रूरतमंद हैं ये मदद के मुताजिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्ला फस नास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यह सूरत हाल देखी तो सदक़े पर लोगों को उभारा यह हदीस और जगह है जहाँ और डिटेल है तफसील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए बाकायदा उभारा कि तसदखो तसदखो ऐ लोगों सदका करो सदका करो सदका करो एक अपील किया ताकि इन लोगों की मदद हो सके और हत्ता फताऊ हैदाली कैफ़ी वजी अब बाज़ रवायात से ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही जज्बाती अंदाज़ में अपील कर रहे थे कि सदका करो सदका करो यानी वो वो हालत देख कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक अलग कैफियत तारी हुई और जब आप उभार रहे हैं सदका करो सदका करो तो सहाब कराम मतलब परेशान हो गए ये सूरत हाल देख कर किसी के समझ में नहीं आ रहा था क्या करें तो ये मंज़र देख कर अल्लाह के नबी वसल्लम को भी नागवार गुजरा कि सदक़े का हुक्म दिया जा रहा है और कोई आगे बढ़ के सदका भी नहीं कर रहा वो भी थोड़ा सा हैरान हो गए क्या हो गया मतलब एक तरह से अल्लाह के नबी नबीम की तरफ से गुस्से का एक इजहार था कि हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जो इस कदर परेशान हाल हैं उनकी मदद नहीं हो रही है उनकी वो हालत देखकर एक नबी के हसीियत से अल्लाह के से ने वो दर्द महसूस किया उसका इजहार किया फिर साहब कराम रजी अल्लाह तुम में से एक अंसारी साहबी हिम्मत करके खड़े होते हैं अच्छा वो जो खामोश ऐसा नहीं कि मतलब सुनी अनसुनी कर रहे हैं वो लोग भी साबे कर भी थोड़ा सा हैरान हो गए मतलब वो परेशान हो गए कि क्या मामला है फिर एक सहाबी हिम्मत करके खड़े होते हैं उठते हैं और घर पे जाते हैं और एक गट्ठर चादी के कुछ सिक्के लेके आते हैं कुछ पैसे लेके आते हैं और सामने रख देते हैं कि हमारी तरफ से ये ताउन है ये सदका अब जब एक शख्स खड़ा हुआ वो जाके कुछ ला पेश करते हैं तो अब दूसरों को भी हौसला मिलता है आज भी देखिए कोई आदमी ऐसे अपील करे तो अगर जब तक तो कोई नहीं देता है जब तक तो कहीं से कुछ नहीं आता है अब एक आदमी शुरुआत कर दे तो दूसरे का भी हाथ चालू हो जाता है तो सबसे बड़ी नेकी वही होती है जो सबसे पहले स्टार्ट करता है आज भी कहीं भी, भी आप मस्जिद का चंदा कर रहे हैं किसी तरह के ताउन का अपील कर रहे हैं तो सबसे बड़ी नेकी उसकी होती है जो सबसे पहले स्टार्ट करें क्योंकि उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ता है लेकिन जब तक कोई शुरुआत नहीं करता ना जब तक सब इग्नोर करते हैं और जैसे कोई शुरुआत कर देता तो फिर एक रास्ता खुल पड़ता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि एक अंसारी साहबी ने शुरुआत की और हदीस के अल्फाज क्या हैं हदीस के अल्फाज है किब उन्होंने शुरुआत की तो उनकी देखी देखा लोग चल पड़े ला ला के देने लगे सब हती की बात रवायत में आता है कि अच्छा खासा जमा हो गया जब सब लोग आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम सहाबा में उस सहाबी की तारीफ की जिन्होंने पहल की थी जिन्होंने सबसे पहले नबी के हुक्म पे अमल करते हुए सबसे पहले ताउन पेश किया था ताउन तो ने पेश किया था लेकिन जिन्होंने शुरुआत की थी अल्लाह के नबी ससन ने उनकी तारीफ करते हुए एक जुमला कहा ये जुमला बार बार जो है ईद नबी के मौके पर लोग सुनाते रहते हैं मिलादी हजरात जो मिलाद बनाते हैं वो ये जुमला सुनाते रहते हैं कहते हैं इसमें बिदत हसना की दलील है लेकिन इसका जो पूरा बैकग्राउंड है पस मंजर वो नहीं बताते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला किस पस मंजर में कहा है तो पूरा वाक्य मैंने आपके सामने रख दिया कि एक सहाबी ने पहल किया उनकी इस कोशिश को देख कर नबी ने उनकी तारीफ में उनकी हौसला अफजाई करते हुए यह जुमला कहा क्या जुमला था कहा मनसन्न सुन्नत हसनत हसन जो इस्लाम में कोई अच्छा तरीका जारी करेगा जो इस्लाम में कोई अच्छा तरीका जारी करेगा और फ फोमिला और उसके जारी करने के बाद बाद के लोग भी वैसे अमल करेंगे तो क्या होगा अजरी तो उसने जो अपनी नेकी की उसका स्वाब तो मिलेगा लेकिन बाद में जिन लोगों ने नैकिया की हैं उसके बका वो स्वाब भी उसको मिलेगा यानी बाद में जो लोगों ने नेकी उनको अपना स्वाब तो मिलेगा ही लेकिन जितना उन्हें मान लीजिए सौ नेकी मिली किसी को तो सौ नेकी बाद में जिसने किया उसको तो मिल रहा है सौ प्लस इसके अकाउंट में भी आएगा यानी बात के लोगों की नेकिया कम करके नहीं वहां से कट करके नहीं दिया जाएगा उनकी नेकियों में कोई कमी नहीं होगी लेकिन जितना वो लोग पा रहे हैं उतना इसको भी दे दिया जाएगा जिसने शुरुआत की है चुनाचिए हदीस में ये वजाहत भी है वालासुमिनजूर हिम शही यानी बाद के लोग जो अमल करेंगे ना उनकी अजर में कुछ कमी नहीं की जाएगी जब हदीस में ये कहा जा रहा है कि जिसने अच्छा तरीका जारी किया तो बाद में जो लोग अमल करेंगे वो स्वाब भी मो मिलेगा इसका मतलब नहीं कि वो स्वाब छीन के इसको दे देंगे भाई उन लोगों का तो अपना स्वाब मिलेगा प्लस उतना ही स्वभाव इसको और मिल जाएगा ये हदीस का मतलब है और हदीस में बहुत ही क्लियर है यानी जुमला मैं शर्य करते हुए नहीं कह रहा हूँ ये हदीस के अल्फाज है कि उनकी नयकियाँ कम नहीं की जाएंगी आगे इसका उलट बात भी है अमन सन्नाफी इस्सलाम सन्नता सैन जो इस्लाम में कोई बुरा तरीका जारी करेगा जिसने कोई बुरा तरीका जारी किया तो सबसे पहले जिसने शुरुआत की ना उसको गुनाह मिलेगा उसके बाद उसकी देखा देखी जितने लोग भी उस गुनाह को अंजाम देंगे तो उन गुनहगारों को अपने गुनाह का गुनाह तो मिलेगा ही अपने जुर्म का गुनाह तो मिलेगा ही लेकिन उतना ही गुनाह इसके सर भी लता चला जाएगा क्योंकि इस बंदे ने शुरुआत की है यानी उसका पहले जो मामला है उसका बिल्कुल अपोजिट वला शय ये यहां भी हदीस में अवज़ात है कि उनके गुनाहों को कम करके इस पर नहीं लादा जाएगा उनका गुनाह तो मिलेगा पूरा पूरा लेकिन उतना ही गुनाह इसके सर पे भी लग जाएगा ये सही मुस्लिम की हदीस है इसमें जो ये आखिरी की लाइन है ना वो भी सिर्फ एक लाइन उसको ईद मिलाद के मौके पे या किसी बहुत सारी बिदतों के मौके पे लोग इसको कोट करते हैं कहते हैं देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका जारी किया उसको सवाब मिलेगा बाद के लोगों को सवाब मिलेगा लेकिन इस अच्छे तरीके से क्या मुराद है अच्छे तरीके से मुलाद ये नहीं है कि आप अपनी तरफ़ से कोई तरीक़ा ईजाद कर लें आप अपनी तरफ़ से कोई तरीका बना के उसको जारी करें बल्कि अच्छे तरीके से मुराद ये कि इस्लाम में जो अच्छा तरीका पहले ऑलरेडी मौजूद है इस्लाम की तालीमत तो कुरान और हदीस में जो अच्छे तरीके हैं और कहीं पर उन पर अमल नहीं हो रहा है आप क्या करो कुरान और हदीस से अच्छे तरीके उठाओ और ला के अमल करवा दो तो चूँकि सबसे पहले आपने अमल करवाया है इसलिए आपको सवाब मिलेगा और आपके बाद अमल करने वालों को भी सवाब मिलेगा यह हदीस का मतलब है क्योंकि हदीस का पसर क्या अल्ला है अल्लाह के नमस्म ने कहा था सदका करो अच्छे तरीके का हुक्म पहले से मौजूद था नबी का हुक्म मौजूद था सदका करो इसी हुक्म पे अमल किया जिसने सबसे पहले अल्लाह के नबी ने कहा यह अच्छा तरीका जारी किया तो अच्छा तरीका कौन सा जारी किया था अपनी तरफ से बना के नहीं वो नबी का हुक्म था पहले से कि ऐसा करो उसी हुक्म को फॉलो किया लेकिन सबसे पहले उन्होंने अमल किया तो अल्लाह के नमस्म ने उनको क्रेडिट दिया हमारे नबी सल्लल्लाहु रसम ने उसको इस बात से ताबीर किया कि इन्होंने अच्छा तरीक़ा जारी किया क्योंकि सारे सहाबे कर राम खामोश थे यही अंसारी सहाबी सबसे पहले उठे और जाके एक झोला लेके आ रहे हैं तो उनके लाने से बाकी लोग भी उठ के गए और लाते गए तो ये जो अच्छा तरीका उन्होंने की शुरुआत की ये शुरुआत किस तरीके की कि उस तरीके की जिसकी रहनमाई नबी ने की है जिसका हुक्म नबी ने दिया तो हदीस का मतलब ये बनता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हुक्म दिया है नबी की जो सुन्नतें हैं नबी के हुक्म पर और नबी की सुन्नत पर अगर कहीं अमल नहीं हो रहा है आप सबसे पहले आगे बढ़ के अमल करवा दें तो इसको कहेंगे अच्छा तरीका जारी करना मिसाल के तौर पर बहुत सारी मस्जिदों में मगरबी से पहले कोई सुन्नत नहीं पड़ी जाती बहुत सारी मस्जिदों में मगर से पहले कोई सुन्नत पड़ी नहीं हालांकि बुखारी मुस्लिम की हदीस से मगरीब से पहले भी सुन्नत है सुन्नत है मौकदा नहीं लेकिन सुन्नत है आप पढ़ सकते हैं अब अगर कोई बंदा किसी मस्जिद में इस तरीके को जारी कर दे सबसे पहले शुरुआत कर दे और उसके शुरुआत के बाद बाकी लोग भी वैसा करने लगे तो यहां पे कहेंगे इसने अच्छा तरीका जारी किया अब इसने जो मगरिब से पहले दो रक़ सुन्नत पढ़ने का तरीका जारी किया ये अपने घर से नहीं जारी किया ये पहले से शरीयत में है और अमल नहीं हो रहा था उस शरीयत की एक बात ला के अमल करवा दिया इसको बोलते हैं अच्छा तरीका जारी करना तो ये जो हदीस है ना जिसमें है कि इस्लाम में जिसने अच्छा तरीका जारी किया तो उस अच्छे से मुराद वो अच्छा है जिसको अल्लाह ने अच्छा समझा रसूल ने अच्छा समझा ना ये कि आप अपने घर से कोई तरीका बना दें कहें ये अच्छा है और उसको जारी करें अरे भाई कॉमन सेंस है कि आपको कैसे पता चला कि दिन में ये चीज़ अच्छी दीन में अच्छा होने का मतलब ये है कि जो अल्लाह को अच्छा लगे भाई खाने पीने का मसला है तो कह सकते हैं हमको ये टेस्ट अच्छा लग रहा है लेकिन ये मसला दीन का है यानी अल्लाह के कानून का है तो अल्लाह को कौन सा कानून पसंद है अल्लाह को कौन सा तरीक़ा पसंद है अल्लाह को कौन सी बात पसंद है ये अल्लाह ही जानता ना आपको कैसे पता आपने एक तरीका बनाया और okay, क्या ये अच्छा है ये अच्छा का जो टाइटल आपने दिया है आपको किसने बता दिया कि ये अल्लाह को भी अच्छा लगेगा आपको अच्छा लग रहा है ना आपके अच्छा लगने से ये मतलब कैसे बन गया इसका कि अल्लाह को भी अच्छा लगेगा तो दीन मेरे भाइयों धरती पे नहीं बनता दीन आसमान से नाजिल होता है तो दीन में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सिर्फ अल्लाह ही तय कर सकता है हम नहीं तय कर सकते क्या अच्छा है क्या बुरा इसलिए जो हदीस में आया ना कि दीन में जो अच्छा तरीका जारी करे उससे मुराद वो तरीका जो पहले से मौजूद है कुरान में मौजूद है हदीस मौजूद है सारे तरीके अच्छे हैं उनमें से जिस तरीके पे अमल नहीं हो रहा वो अमल लाइए फिर गई अच्छा तरीका जैसे मैं बात ख़त्म करूँगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में तरावी को जमात से पढ़ने का एक तरीका शुरू किया जमात से तरावी तो हर दौर में पढ़ी जाती थी अल्लाह के नबी नबीस के दौर में भी पूरे रमज़ान में तरावी जमा से होती थी लेकिन तरीका क्या होता था आ, कभी इस एक कोने में कुछ लोग खड़े हो गए तरावी पढ़ने एक कोने में कुछ और लोग खड़े हो गए कोई अकेले पढ़ रहा है ऐसे अलग अलग कहीं जमात के साथ कहीं इनफरादी तरावी पढ़ लें लेकिन एक दिन अल्लाह के नबी सल्लम आए मस्जिद में और आप मसल पर खड़े हो गए और तो कहा चलो सब पढ़ते हैं साथ में तो उस दिन सब लोगों ने बंद कर दिया यानी जब नबी मसल्ले पे खड़े हैं तो अलग से कौन जमात करने वाला है कोई नहीं वो सारी जमात खत्म हो गई और जो अकेले पड़े वो सब आके शामिल हो गए यानी सिर्फ़ एक जमात सिर्फ़ एक जमात क्योंकि मसले पे नबी खड़े हैं इससे सारी जमातें ख़त्म हो गई जमात से पढ़ने वाले भी आके जम हो गए अकेले जो पढ़ रहे थे वो भी आके ज़म हो गए अब नबी ने एक दिन तरावी पढ़ाई दूसरे दिन ये बात मशहूर हो गई कि नबी ने पढ़ाई है दूसरे दिन और लोग आके जमा हो गए दूसरे दिन भी अल्लाह की रस्म ने तरावी पढ़ाई तीसरे दिन भी और लोगों को पता चल गया कि भाई वो तो तरावी शुरू है तीसरे दिन और पूरा मजमा इकट्ठा हो गया फिर अल्लाह के ने देखा कि भाई ये तो फ़र्ज़ नमाज नहीं है ऐसा ना हो कि ये क़ शौक़ देख के अल्लाह ताली कहीं फ़र्ज़ ना कर दे तो आपने बंद कर दिया लेकिन बंद करने का मतलब नहीं कि जमात से पढ़ना ख़त्म कर दिया बंद कर दिया मतलब पहले जैसे हो रहा था वैसे चलने लगा यानी फिर कोई जमात से पढ़ रहा है कोई अकेले पढ़ रहा है कोई घर पर पढ़ रहा है मतलब जमात से हो रही है पहले भी हो रही थी बाद में भी हो रही है ऐहद सिद्दीकी में भी जमात से हो रही है ऐहद फारूकी में जमात से हो रही है लेकिन जमात का तरीका क्या है कि कहीं यहाँ जमात बनी है कहीं यहाँ जमात बनी हुई है कोई अकेले पढ़ रहा है लेकिन उमर फ़ारूक रजी अल्लाह ने क्या सोचा कहा कि अल्लाह के नबी ने जो एक ही इमाम की शक्ल दी थी कि एक इमाम मसले पर हो बाकी सब उसके साथ में पढ़ें ये जो तीन दिन अल्लाह के रब्स में तरावी पढ़ाई थी उसको जो आपने बंद किया था वो इस खौफ से बंद किया था कि कहीं फ़र्ज ना हो जाए और कुरान में अल्लाह तौल ने कह दिया अलियम अकमल लकुम दिन आज दिन मुकम्मल हो गया और नबी इस दुनिया से जा चुके तो उमर फारूक अजहर ने कहा कि अब तो दीन में कोई नई चीज़ नहीं आने वाली है जो फ़र्ज होना था हो चुका अब हम कितने क़ो शौक़ से तरावी पढ़ें अल्लाह ताला इसे हम पे फ़र्ज कर ही नहीं सकता इसलिए उमर फारूक ने कहा कि कल से जो है सब लोग एक ही इमाम के पीछे तरावी पढ़ेंगे एक सरकारी इमाम तय कर दिया सही बुखारी दी से के सरकारी इमाम तय कर दिया तमीमदारी रजी अल्लाह बिन काब रजी अल्लाह ताली हो उनको ड्यूटी दे दिया कि तुम लोग तरावी पढ़ाओगे और सारे लोग एक ही इमाम के साथ पढ़ेंगे अब ये फिर दूसरे दिन देखने आए बाकी एक इमाम खड़ा है और शान से तरावी हो रही है तो उमर फारूक रजी अल्ला ने कहा कि नए मलबिदत हाजिर हाजी ये नई चीज़ कितनी अच्छी है तो ये जो नई चीज़ जारी किया उन्होंने ये नई चीज़ अपने घर से बना के नहीं जारी किया वो तो अल्लाह के नबी नबीम इसको करके दिखा चुके थे इसकी फजीलत बयान कर चुके थे लेकिन आपने बंद किया था तो यह कह के, के नहीं बंद किया था कि यह हराम है ना जायजा ये के, के बंद किया था कहीं फ़र्ज ना हो जाए तो जिस शुभह की वजह से बंद किया था अब वो शुभह नहीं हो सकता था तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला तो ने जो जारी किया नया तरीका नया तरीका इस हिसाब से कहेंगे कि वो पहले नहीं हो रहा था जमात से हो रही थी लेकिन एक ही इमाम के साथ जमात नहीं हो रही थी तो उस हिसाब से नया लेकिन ये नया घर से बना के नहीं लाए ये अहदे रिसालत में ये तरीका बन चुका था वो बीच में रुक गया था सिलसिला उसको जारी कर दिया तो इस तरह से कोई चीज़ जारी करे ना फिर कहे कि अच्छी चीज़ जारी करना अच्छा मैं बात खत्म करूंगा हैरत की बात है कि उमर फारूक रज़ी का जो जुमला है ना उस बुखारी का कि न्यामल दत्तो हाजी ये अच्छी बिदत है यानी अच्छी नई चीज़ है उससे लोग दलील लेते हैं कि दीन में भी हम अच्छी चीज़ें ईजाद कर सकते हैं हालांकि उमर रजी अल्लाह रजील का ये वाकया इस बात की दलील है कि दीन में नए काम की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि उमर रजी अल्ला ने आज तरावी को जब जारी कराया तो इस अकीदे के साथ जारी कराया कि नबी के जमाने में अंदेशा था कि कहीं फर्ज ना हो जाए और अब चूंकि कोई नई चीज़ नहीं आ सकती अकीदा क्या था कि अब कोई नई चीज़ ऐड नहीं हो सकती दिन में इसलिए उस तरीके को वापस से शुरू करते हैं क्योंकि नई चीज़ तो आने वाली नहीं यानी फर्ज अब नहीं हो सकता जो होना था हो चुका लौक हो चुका शरीय लॉक हो चुकी इसलिए अब हमारे सामने कोई खतरा ही नहीं चलो पढ़ते हैं क्योंकि नई चीज़ तो आ ही नहीं सकती तो हकीकत में उमर रजील के जुमला बिदात के ख़िलाफ़ है यानी बिदात की कमर तोड़ रहा है बिद की जड़ काट रहा है क्योंकि अकीदा यानी इस पूरे तरीके के पीछे अकीदा यह है कि कोई नई चीज़ नहीं आ सकती है तो खुलासा ये कि जो ये दलील दी जाती है ना सही मुस्लिम की हदीस को पढ़ के या सही बुखारी से उमर रजील त के वाके को पेश करके कि नई चीज़ें हम दीन में बढ़ा सकते हैं तो ये जो वाक़े में है इसमें नई सी मुराद वो नहीं जो आप बना के जारी करें नई सी मुराद वो है जो पहले से दिन में था अमल रुक गया है तो उसे आप ला के जारी करें इसमें कोई मसला नहीं लेकिन अपने घर से नई नई चीज़ें बना के चाहे ईद मिलाद के नाम पर हो चाहे सलाते गौसिया के नाम पर हो चाहे फातिहा के नाम पे हो चाहे किसी भी नाम पे हो उसकी गुंजाइश नहीं है अल्लाह ताला हम सबको बिदअत तो बिदात खुराफा से बचाए आमीन आमिर रबानी ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला